छत्तीसगढ़ में 16 जून से स्कूल खोले जाएंगे, वहीं कल से ही बच्चों की पढ़ाई शुरू होगी। राज्य के 6,536 स्कूल परिसर में जहां आंगनवाड़ियां संचालित हैं, वहां अब बालवाड़ी भी प्रारंभ की जाएंगी। यह बालवाड़ी प्री स्कूल की तरह ही संचालित होंगी, जहां 5 से 6 वर्ष के आयु के बच्चों को शैक्षणिक एवं खेल के माध्यम से शिक्षा मिलेगी। इसको लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम से MKN न्यूज संवाददाता ने सीधी बातचीत की। छत्तीसगढ़ में कल से 16 जून से स्कूल खुलने वाली है। हमारे साथ मौजूद है स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम। कल से स्कूल खुलेंगे, किस तरह से तैयारी है स्कूल की? कल से स्कूल खुलेंगे, पूरी तैयारी हमारी है। स्कूलों की सफाई से लेकर तमाम चीज़ें की व्यवस्था की गई है और सभी को निर्देश दिया गया है कि कल से सब स्कूल को खोलेंगे। कल से गंदियाँ बनेगी, बच्चों का कलर होगा, लोग आपस में दोस्त लोगों से मिलेंगे। ये कही कि 2 साल बाद स्कूल में बच्चे आएंगे और खुलेंगे। 2 साल तक स्कूल पूरा बंद था, तो हम लोग ने तय किया है कि जो नया सत्र शुरू हो रहा है 16 जून से, तो बच्चों की प्रवेश उत्सव मनाया जाएगा। जब राजगीत बना है छत्तीसगढ़ का, हम लोगों ने जितने शासकीय कार्यक्रम होते हैं उसके जो भी शासकीय कार्यक्रम हो उसमें अनिवार्य रूप से राजगीत बजता है, तो हम लोगों ने तय किया है कि हर स्कूल में प्रार्थना के समय राजगीत का गायन हो, राष्ट्रगीत हो, उसके बाद संविधान की जो प्रस्तावना है वो पढ़ी जाए। आपने ठीक प्रश्न किया है कि स्कूल के साथ ही साथ बालवाड़ी का भी संचालन करेंगे। जहाँ पर प्राइमरी स्कूल और आंगनबाड़ी एक ही परिसर में है, ऐसे जगहों में चिन्हांकित किया गया है, वहाँ बालवाड़ी का संचालन होगा। लगभग 5,000 के से 5,500 करीब के लगभग करीब होगा। और वहाँ पर जो बच्चे 5 साल और 6 साल के बीच वाले जो बच्चे हैं उनको बालवाड़ी में पढ़ाया जाएगा। वहाँ पर सरकार अपनी व्यवस्था करेगी, सरकार की आप वैकल्पिक व्यवस्था हो सकता है, तमाम चीज़ें करेंगे, उनसे बात भी करेंगे। उनसे सफाई कर्मचारियों से क्या बात हुई? क्या अभी तो बात नहीं हुई है, लेकिन कोशिश करेंगे बात करने के लिए। ये थे स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम। जैसा कि उन्होंने बताया कि कल से 16 जून से जो है स्कूल खुलेंगे, आंगन बालवाड़ी भी खुलेगी। 5,636 स्कूल परिसर में बालवाड़ी खोलने की तैयारी चल रही है और कल से घंटी स्कूल की बजने लगेगी। बच्चे स्कूल जाएंगे बैग पकड़कर और पढ़ाई शुरू कर देंगे, कल से ही पढ़ाई शुरू हो जाएगी। और मंत्री ने यह भी कहा कि जो सफाई कर्मचारी हैं वो निश्चित तौर से उनसे चर्चा की जाएगी। मैं चित्र पटेल, MKN न्यूज रायपुर।